हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस सर्विसेज, फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस बिजनेस सर्विसेज वन बाय वन। सो आवर चैप्टर 4.1 रिलेट्स टू बैंकिंग सर्विस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय बैंकिंग और व्हाट डू वी मीन बाय बैंक्स। बैंक होते क्या हैं बेटा? बैंक क्या होते हैं? बैंक को जब हम बात करते हैं, डिफाइन करने की हम बात करते हैं, तो बैंक को हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम इट रेफर्स टू ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांजेक्शन कहते हैं लेन देन, विच ट्रांजेक्ट्स इन मनी। बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है जहां पर रुपयों पैसों का लेन देन होता है। क्या होता है? रुपए पैसे का लेन देन होता है। वेहर जहां पर, वेहर इट एक्सेप्ट, जहां पर ये क्या करते हैं, इट एक्सेप्ट्स मनी, लोगों की जमा मुद्रा को स्वीकार करते हैं, फ्रॉम पीपल, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं एज डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा के रूप में। दैट मीन पैसा जमा करवा दिया तो वो पैसा बैंक में आपकी धरोहर के रूप में है, आप बाद में एक कभी भी या एक निश्चित तारीख के ऊपर वो रकम वापस ले सकते हैं। एक समय के हिसाब से डिपॉजिट कराया है तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा, और दूसरे खाते में जमा, कई तरह के दूसरे खाते होते हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उस रूप में आपकी धरोहर के रूप में बैंक आपका पैसा स्वीकार करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं बैंक? एंड लैंड्स मनी। लैंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? उधार देना। पैसा लेते भी हैं, जो पैसा लेते हैं उसको ब्याज देते हैं, इसी प्रकार से पैसा ब्याज पर भी लोगों को देते हैं, दूसरे लोगों को उधार भी पैसा देते हैं। लैंड्स मनी टू द पीपल, लोगों से पैसा स्वीकार करना और लोगों को पैसा उधार देना, वो किस में आता है? बैंक के अंदर। तो ये क्या होते हैं? बैंक्स। बैंक्स रेफर्स टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक वित्तीय संस्थान होते हैं जो लोगों के जमाओं को स्वीकार करते हैं धरोहर के रूप में, कि आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है, एक जब भी आप कहेंगे एक स्पेसिफिक तारीख के बाद आप चाहें जब चाहें वो पैसा हमारे पास से वापस ले सकते हैं। इसके अलावा ये लोगों को पैसा उधार भी देते हैं, और जिस जो पैसा उधार दिया है उस पर ये लोगों से ब्याज चार्ज करते हैं, वो उनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। तो बेटा ये तो कॉमन प्रैक्टिस के अंदर होता है जो ट्रेडिशनली बैंक्स के अंदर होता रहा है, मगर आज के दिन में हम कहते हैं आधुनिक समय में, पहले बैंकों में मुख्य रूप से यही लेन देन होता था, मगर आधुनिक समय के अंदर बैंकों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। आज बैंक्स के थ्रू काफ़ी तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। आजकल सिर्फ मुद्रा का ही लेन देन नहीं होता, इसके अलावा भी बैंक कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे साख में वृद्धि करना, क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, या फिर लोगों के एजेंट के रूप में काम करना, जहाँ पर बैंक जो भी व्यापारी खाते होते हैं उनके ऊपर गारंटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं और एजेंट के रूप में काम करते हैं, या कई तरह की दूसरी सर्विसेज जो हैं, जैसे हम कहते हैं बिलों का भुगतान करना हम कहते हैं, उस तरीके से कई तरह की दूसरी सर्विसेज जो है, खातों में बैंक दूसरे पार्टीज को पेमेंट करना, इस तरह के कई जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक्स। बैंक्स जो है बेटा
ये एक वर्ड था जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंची या फिर बांकी या बंगेरी। एक इटालियन वर्ड होता है बैंकी या बैंकेरी। बैंकेरी जो है वो लैटिन वर्ड के अंदर, सॉरी इटालियन वर्ड के अंदर बैंकी का मतलब क्या होता था, मुद्रा। एक ऐसे संस्थान जो मुद्रा का लेन देन करते थे, वहीं से ही ये शब्द जो बना था बैंक चलन में आया था, और उसी से ही बैंक जो है वो धीरे धीरे चलन में आया था, धीरे धीरे सिस्टम का पार्ट बना था। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक्स के कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा बैंक्स को हम अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बिहाफ पर क्या होता है बेटा, बैंक्स को यूजुअली तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इसी प्रकार से बेटा इसमें थर्ड होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। पब्लिक, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर का बेटा आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि ऐसे एंटरप्राइजेज जिनके अंदर मिनिमम 51% जो ओनरशिप होती है वो सरकार के हाथ में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, कोई भी ऐसा बैंक, इट रेफर्स टू दोज बैंक विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अप टू मिनिमम 51%। जिस ऐसे बैंक जिसमें सरकार का जो हिस्सेदारी होती है, सरकार का जो हिस्सा होता है वो कम से कम 51% होता है, 51% से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वही उनको कंट्रोल करती है। नहीं, भारत के अंदर बड़ा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी सारे थे, लगभग 14 बैंक्स को तो 1969 के अंदर और लगभग 6 बैंक्स को 1980 के अंदर प्राइवेटाइज किया गया था। तो आज उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। मेन जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो एट प्रेजेंट बेटा इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास पब्लिक सेक्टर बैंक है। पहले लगभग 21 पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही कुछ बैंक्स को आपस में मर्ज किया गया है, तो उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी संख्या लगभग 15 या 16 के आसपास रह गई है। जैसे हम कहते हैं पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज करके किस में मर्ज कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। इसी प्रकार से यूनाइटेड बैंक था, उसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। इसी प्रकार से कैनरा बैंक था और सिंडिकेट बैंक था, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक को मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से क्या है कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट लगभग 15 के आसपास पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनके अंदर गवर्नमेंट की जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है, मोर देन 51%। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, ये वो बैंक होते हैं जिनका जो हम कहते हैं ओनरशिप या कंट्रोल, ठीक है, निजी सेक्टर के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। भारत के अंदर से कई बैंक कहते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर बैंक है, HDFC बैंक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। ऐसा कोई भी बैंक जिसमें मालिकाना हक जो होता है, या फिर हम कहते हैं मैनेजमेंट
कंट्रोल जो होता है वो सरकार के हाथ में ना होकर निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। सरकार की हिस्सेदारी इसमें हो सकती है मगर वो अक्सर 51% से कम होती है। इसमें जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनमें जो कुछ मेन बैंक है वो कौन कौन से हैं, HDFC बैंक। फिलहाल इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है बेटा वो कौन सा है, HDFC बैंक। उसके बाद आता नंबर आता है ICICI बैंक, उसके बाद नंबर आता है एक्सिस बैंक, फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, अभी यस बैंक काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर भी था, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, DCB बैंक या RBL बैंक या जम्मू कश्मीर बैंक। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं बेटा, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो मनी अर्निंग होता है, सोशल वेलफेयर इनके अंदर नहीं होता। लोगों को उधार देते हैं, कार लोन के पैसे उधार देते हैं, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन के रूप में, और उनसे जो ब्याज मिलता है वही इनके लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, ये वो बैंक होते हैं जो व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा किसी भी एरिया में रहने वाले लोग हैं उन वहाँ पर रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। इन बैंकों का मेन जो उद्देश्य होता है वो इसके जो मेंबर्स हैं उन इस बैंक के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स मिलकर इस बैंक को संचालित कर रहे हैं उनकी मदद करना होता है। इसके कुछ एग्जांपल हमारे देश में कौन कौन से होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, या प्राइमरी लोन सोसाइटीज़ जितनी होती है उन सभी को हम किस में रखते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। क्लियर है बेटा? तो ये क्या थे आपके, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बिहाफ पर बैंक्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके अंदर जो मालिकाना हक होता है वो सरकार के हाथ में होता है, जिसमें 51% से ज़्यादा मालिकाना हक या ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक। जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो मेन कंट्रोल होता है वो भी किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सर्विंग द नेशन या सर्विंग द पीपल या सोशल वेलफेयर। इसके अलावा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं बेटा, ये वो बैंक होते हैं जिनका मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और निजी व्यक्ति अपनी ही इसको संचालित करते हैं अपनी समझ के आधार पर। इन बैंकों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मनी मेकिंग होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। और थर्ड होता है इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, एक लोगों के एक समूह के द्वारा इसको स्थापित और संचालित किया जाता है और इनका जो मेन उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के आर्थिक रूप से मदद करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, बैंक्स को हम क्लासिफाई करते हैं किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के बिहाफ पर भी क्या होता है, बैंक्स को हम बेसिकली फाइव कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, फर्स्ट वन क्या होते हैं इसके अंदर कमर्शियल बैंक। सेकंड वन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थर्ड वन एग्रीकल्चर बैंक फोर्थ नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग बैंक्स और फिफ्थ में रहते हैं बेटा इसके अंदर हम अदर बैंक्स। देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बैंक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, थर्ड वन एग्रीकल्चरल बैंक, फोर्थ वन इज
बट हाउसिंग बैंक को तो हम अदर बैंक्स में ही लेते हैं। फोर्थ वन इज रीजनल रूरल बैंक। और लास्ट में क्या आते हैं, अदर बैंक्स। अदर बैंक्स को भी हम मेनली फाइव कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, जो किसी भी देश का सबसे मेन बैंक होता है। जैसे इंडिया के अंदर कौन सा है, आरबीआई, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। क्लियर है बेटा। सेकंड वन इज एक्सिम बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज नेशनल हाउसिंग बैंक। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और फिफ्थ है इसके अंदर नाबार्ड। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, बैंक्स आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉडली फाइव कैटेगरीज, दैट इज कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर बैंक्स। अदर बैंक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फाइव टाइप्स, दैट इज सेंट्रल बैंक, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कमर्शियल बैंक। व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं बेटा? दीज बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये बैंक क्या करते हैं, आम जनता से जो जमाए हैं पैसा है वो स्वीकार करते हैं और लोगों को शॉर्ट टर्म लोन, जैसे हम कहते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आम जनता को भी, और जो भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन जो होते हैं वो अक्सर इन्हें ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये कई प्रकार के एजेंसी फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों से कोई चेक वगैरह इशू करना, उनको बैंक सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं उन्हें भी हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके फॉरेन कमर्शियल बैंक्स और एक होते हैं आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक्स एंड डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे बैंक जो सब किसी, जिनका जो हेड ऑफिस होता है किसी दूसरे देश के अंदर होता है और वो इंडिया के अंदर भी अपनी ब्रांच के थ्रू बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक। की फंक्शंस है, उनके जो ब्रांचेस है वो इंडिया में भी है बट उनका जो ओरिजिन है वो किसी दूसरे देश में होता है, मेन हेड ऑफिस किसी दूसरे देश में है, मगर इंडिया के अंदर भी ब्रांचेस ओपन करके इंडिया के अंदर भी वो अपना कारोबार कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स। ये बैंक इंडिया के अंदर बेटा काफ़ी सारे फॉरेन कमर्शियल बैंक है, जिनमें से एक है जैसे डीबीएस बैंक है, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, या सिटी बैंक है, या डायशे बैंक है, या एचएसबीसी बैंक है, या रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। तो ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ये सभी क्या है, फॉरेन कमर्शियल बैंक है, जो इंडिया के अंदर भी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड आते हैं डोमेस्टिक या इंडियन कमर्शियल बैंक। तो ऐसे बैंक जिनका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर ही है और इंडिया के अंदर वो कमर्शियल जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन कमर्शियल बैंक। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, ये सभी क्या है, इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक को भी बेटा हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पहले। सेकंड आता है बेटा इसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बेटा आज हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक तक ही डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या है,
ये बेटा हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ एक लंबी लड़ाई के बाद। उस समय हमारा देश आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, हमारे देश के अंदर उद्योगों की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो हमारे देश में औद्योगिकरण लाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए और इकोनॉमिक को ग्रोथ देने के लिए कुछ स्पेशल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया था, जो इंडस्ट्रीज़ को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, जिससे हमारे देश के अंदर उद्योगों के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योगों को पैसा मिल सके और ये उद्योग स्थापित हो के हमारे देश में औद्योगिकरण हो, लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और एक अविकसित से विकसित देश के अंदर तब्दील हो सके। उसके लिए हमारे देश के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास बैंक जो हैं उन्हें स्थापित किया गया था। ये बैंक कौन कौन से हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IDBI। सेकेंड था SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वन वाज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। ये चार बैंक मेजर बैंक थे जिन्हें नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDCs। ओके बेटा, तो ये क्या होते हैं आपके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक एंड अदर बैंक। दीज टाइप्स ऑफ बैंक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।